हूँ आपके अपने YouTube चैनल आई पर वेलफेयर सोसाइटी। फ्रेंड्स, आज के ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ TCS के बारे में, टैक्स कलेक्टेड सर्विसेज। TCS से रिलेटेड फुल नॉलेज देने वाला हूँ। TCS को एक्टिवेट करने से लेकर TCS से रिलेटेड कैसे लेजर बनाते हैं, लेजर ऑफ गुड्स कैसे पास करते हैं, वाउचर कैसे पास करते हैं, पेएबल कैसे चेक करते हैं और पेमेंट कैसे करते हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हमें एक कंपनी बनानी होगी, तो बात सबसे पहले मैं अपने कंपनी के अंदर TCS का जो फीचर है उसको ऑन करूंगा, और जो TCS के फीचर को ऑन करने के बाद जैसा आप TDS में डिटेल फिल करते थे वही डिटेल आपको इसमें फिल करनी है। इसके बाद आपको सबसे पहले नेचर ऑफ यहाँ पे ये बनाना होगा, देखो इसमें नेचर ऑफ गुड्स, तब यहाँ जब जाएंगे क्रिएट करेंगे, और अगर आप लाइसेंस वर्जन यूज कर रहे हैं टैली का तो आप यहाँ पे कंट्रोल सी दबाएं तो आपके सामने नेचर ऑफ गुड्स की लिस्ट अपने आप आ जाएगी। यहाँ पे कंट्रोल सी दबाएंगे तो ये लिस्ट अपने आप आ जाएगी, लेकिन लाइसेंस वर्जन में। तो इनमें से मैं भी सिलेक्ट कर रहा हूँ तेंदुलिस, तो ये मैंने सिलेक्ट किया। टैक्स रेट कितना है 5% और लिमिट कोई नहीं है, ठीक है। इसके बाद मुझे अपने पास स्टॉक आइटम भी बनाना होगा इसी चीज का, तेंदू लीव्स का, ठीक है। इसको मैं केजी में ले लेता हूँ, और यहाँ पे TCS एप्लीकेबल जब करेंगे तो आपको वो तेंदू लीव यहाँ पे लेना है। और एक चीज गलती कर दी मैंने, इसमें ओपनिंग स्टॉक ले लेता हूं मैं, कि मेरे पास 1000 किलो रखा हुआ है, 1 किलो 200 रुपए का है, ठीक है। अब मैं अपना जिनको ये सेल करना चाहता हूँ, तो सेल मैं करना चाहता हूँ सोनू को, तो सोनू का एक लेजर बनेगा, तो यहाँ पे मैं सोनू का अकाउंट बनाऊंगा जो कि बनेगा सैलरी डेटर में। बिल बाय बिल यस होगा, TCS एप्लीकेबल तो यस होगा ही होगा, और यहाँ से ये कौन है सोनू, एक कंपनी रेजिडेंट है, यहाँ पे इसका पैन नंबर कंपलसरी है, अगर वो आपने नहीं डाला तो सोच लेना फिर आप 20% टैक्स कट जाएगा, तो ये डालना जरूरी है यहाँ पे ASDP ये डाल देता हूँ इस तरह से और सेव कर देता हूँ। दूसरा बनाना है आपको सेल ऑफ तेंदू लीव, इसको सेल अकाउंट के अंदर में रखना है, TCS को एप्लीकेबल करना है और ये लेके कंट्रोल ए से सेव कर देना है। नेक्स्ट आपको लेना है TCS एट द रेट 5% ऑन, ये ले लो 5% बस, ये सबके लिए इस पर लिख देता हूँ, चलो कोई नहीं, ऑन तेंदू लीव। इसको लेंगे हम ड्यूटी एंड टैक्स में TCS, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए, ये आपका आ जाएगा। अब इसके बाद मैं इसको सेल करता हूँ, सेल में जो कर रहा हूँ 1 जुलाई को सेल कर रहा हूँ, तो सेल में जाएंगे, यहाँ पे आप आइटम इनवॉइस लेंगे, इन रेफरेंस नंबर 1 है, पार्टी सोनू है, और यहाँ पे सेल ऑफ तेंदू लीव अकाउंट आएगा। नेचर पूछे तो यहाँ पे तेंदू लीव ले लेना, क्या बेचना है तेंदू लीव, कितना बेच रहा हूँ 400 किलो, 1 किलो में बेच रहा हूँ वो 350 रुपए के हिसाब से बेच रहा हूँ। और यहाँ पे इस लाइन के नीचे आने के बाद यानी यहाँ पे TCS लेंगे, और आपका देखिए TCS कैलकुलेट हो गया है, ऑल्ट ए दबा के आप इसको देख भी सकते हैं कि कितने अमाउंट पे कितना कैलकुलेट हुआ है। इसके बाद इसको सेव कर दें बिल बना के, ठीक है। पेज अप बटन दबा के ऑल्ट पी के साथ आप इसकी प्रिंट भी ले सकते हैं, और प्रिंट में आप देखिए TCS की कंप्लीट डिटेल यहाँ शो होगी। इसके साथ ही साथ अब आप इसको पहले आप जाएंगे डिस्प्ले में, स्टैचरी रिपोर्ट में, वहां से स्टैचरी के बाद TCS रिपोर्ट,